नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है प्रसून अग्रवाल और दोस्तों आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी आपको पांच चीजें ध्यान में रखनी है इनकम टैक्स की रिटर्न भरते वक्त। कौन सी पांच चीजें आपको ध्यान रखनी है इनकम टैक्स की रिटर्न भरते वक्त। बेसिकली कभी कभी हम जब रिटर्न भरने बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं कि हमारे दिमाग में है, पर वो अचानक से वो चीज हम ध्यान नहीं दे पाते और हमारी रिटर्न गलत भर जाती है, या फिर हम बाद में सोचते हैं अगर ऐसा कर देते तो शायद 200 रुपये या 500 रुपये या 1000 रुपये रिफंड ज्यादा आ जाता है, या फिर हमारा कोई डिडक्शन हम डालने ही भूल जाते हैं, या इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म गलत चुन लेते हैं। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम निग्लेक्ट कर देते हैं या भूल जाते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न भरते वक्त। आज मैं कोशिश करूंगा उन चीजों को आपको बताने की ताकि आप जब भरें इनकम टैक्स की रिटर्न तो आप वो गलती ना करें। शुरुआत करते हैं नंबर एक से। नंबर फर्स्ट यानी है आपके करेक्ट इनकम टैक्स का रिटर्न फॉर्म, यानी इनकम टैक्स का सही फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आप एक सैलरी क्लास हैं, आप एक बिजनेस क्लास हैं, या सैलरी के अलावा आप एक रेंटल इनकम भी जनरेट करते हैं, सैलरी के साथ साथ आप एक मल्टीपल अपना कुछ प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं साइड में, जहां पे आप प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, या कैपिटल गेन हुआ है उस साल आपको, आपने अपनी कोई घर बेचा है, प्रॉपर्टी बेची है, तो इस तरीके से कई अलग अलग कैटेगरीज फॉल हो जाती हैं जहां पे आपको पता होना चाहिए कि आपकी इनकम टैक्स का कौन सा फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है, आप किस कैटेगरी में फॉल होते हो। तो यहाँ पे काफी कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आप सोचते हो हमारी तो मेन इनकम सैलरी इनकम है, तो क्या हुआ मैंने एक मकान बेचा, एक जमीन बेची हुई है, वो भले ही मेरी पर्सनल थी, मैं बिजनेस नहीं करता हूँ, कोई बात नहीं, या तो क्या हुआ मेरी एग्रीकल्चर इनकम जो थी वो 5000 रुपये से ज्यादा थी, जिसमें मैंने कुछ सामान, मतलब काफी अच्छा प्रोडक्शन हुआ था इस बार खेत में, आलू लगाया था आलू अच्छा हो गया, बैगन लगाया था बैगन अच्छा हो गया, तो कुछ इनकम ज्यादा है 5000 रुपये, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आप सोचते हैं मेरी तो मेन इनकम सैलरी इनकम है तो मुझे आईटी अर्बन बननी चाहिए, तो इस तरीके से कंफ्यूजन रहती है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है खासतौर पर कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स के रिटर्न के फॉर्म है, उसका लिंक आई लिंक पे आपको मिल रहा है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो कि कौन सा फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप आईटीआर का फॉर्म गलत चुनते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास गलत इन्फॉर्मेशन जाती है, और साथ में वो और उसके पास जो इन्फॉर्मेशन बैक एंड, क्योंकि उनके पास सारा रिकॉर्ड है आपका, आप हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न के पास डिपार्टमेंट के पास कुछ हमारा डेटा नहीं है, जो हम देते हैं वही है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके पास सारा डेटा है, वो खाली आपके डेटा से और अपने डेटा से मैच करते हैं, और कुछ वेरिएंस होता है तो अगर नेग्लिजिबल वेरिएंस होता है तो आपकी रिटर्न को सही मान लेते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा वेरिएंस होता है तो आपके पास नोटिस भी आता है और आपके पास डिमांड भी निकलती है, तो कभी भी ये मत सोचो, आप हमेशा सही इन्फॉर्मेशन दो। सेकेंड पॉइंट है कि आपको हमेशा अपना फॉर्म 16, जो सैलरी क्लास के लोग हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, फॉर्म 16 और 26AS मैच करना है। 26AS जहाँ पे आपको TDS की अपना टैक्स डिडक्टेड जो आपका इनकम टैक्स ऑलरेडी कटा हुआ है, जमा हुआ है, TDS जो कटा हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो दोनों हमेशा कंपेयर करना है कि वो क्या डाटा शो करते हैं, वो बराबर शो कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर शो कर रहे हैं कि नहीं। आप फॉर्म 16 आपका एम्प्लॉयर बोलता है कि मैंने 50000 रुपये का टैक्स आपका काटा है, आपकी सैलरी से जमा किया है, बल्कि फॉर्म 26AS दिखाता है आपका, मान लीजिए कि 45000 रुपये यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको सिर्फ 45000 रुपये का ही बेनिफिट मिलेगा इनकम टैक्स में, जो आपकी डिमांड निकलेगी उसके साथ। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर बोल रहा है 50000 और ये 45000, तो यानी 5000 रुपये का डिफरेंस है, आपको तुरंत अपने एम्प्लॉयर से बात करनी पड़ेगी कि ऐसा डिफरेंस क्यों है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं 50000 रुपये के हिसाब से ही रिटर्न भर दूंगा, फॉर्म 16 में आ रही है क्योंकि, तो वो गलत है, आपकी डिमांड तुरंत 5000 रुपये की निकल जाएगी। तो वो चीज जरूर करें कि पहले फॉर्म 16 और 26AS को कंपेयर कर लें। आपको क्या करना है, आपको अपने सारे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स, यानी आप लोग जनरली हम लोग क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी करवाते हैं, अपना सेविंग बैंक्स में भी कुछ पैसा पड़ा रहता है, पोस्ट ऑफिस में भी डलवाते हैं, तो अलग अलग जगह हमारा पैसा जमा रहता है जहां से हमें इंटरेस्ट इनकम होती रहती है। तो आपको अपने सारे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स आपको कलेक्ट कर लेने, कोई जरूरी नहीं है फिजिकल फॉर्मेट में करो, आपके पास PDF फाइल भी होगी तो चलेगा, मेल पे आ जाएगा डेटा तो भी चलेगा, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फिजिकल फॉर्म में ही लेके आना है, यानी प्रिंट आउट लेके ही आना है, लेकिन आपको वो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास अगर होते हैं तो आपको अपने अदर सोर्सेज की इनकम में आपको वो चीज जरूर दिखानी है। जनरली केसेस में क्या होता है कि लोग बस, अगर सैलरी क्लास के केसेस में मैंने मेजॉरिटी देखा है और भी लोगों में मैंने देखा है कि आप इंटरेस्ट इनकम को छोड़ देते हैं, हम लोग इंटरेस्ट इनकम को जनरली नहीं दिखाते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत चीज है, आपकी वो इनकम है और इसी बेस पे ज्यादातर नोटिस भी इशू हो जाते हैं कि आपने अदर सोर्सेज में आपका इंटरेस्ट इतना मिला था, आपने इंटरेस्ट इनकम नहीं दिखाया, तो ये चीज आपको नहीं करनी है, आपको इंटरेस्ट इनकम जरूर दिखाना है। एक चीज आपको और ध्यान देना है कि आपको हर एक प्रकार की इनकम को दिखाना है, यानी हर एक टाइप की ऑफ की जो इनकम है वो आपको जरूर शो करना है, कुछ भी चीज छुपानी नहीं है, जैसे कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो गया, कैपिटल गेन्स हो गया, एग्री उसके साथ इंटरेस्ट इनकम हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया, ये हर एक टाइप की इनकम आपको वहां पे जरूर दिखाना है, शो जरूर करना है,
क्योंकि कभी भी आपको मालूम नहीं है कहां से नोटिस आपको मिलेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हर एक इन्फॉर्मेशन आपकी है, आप ये मत सोचो कि उनके पास नहीं है इन्फॉर्मेशन। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर कोई इनकम छुपा लोगे तो कोई बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म आपको नुकसान ही देगा। अब हम लोग साल भर क्या करते हैं कि साल भर हम लोग अपना कुछ ना कुछ पैसा LIC में, PF में, होम लोन में, ये तो मेजोरिटी बड़ी बड़ी चीजें हैं, लेकिन छोटा मोटा हम लोग छोटा मोटा एक जैसे डोनेशन हो गया, कहीं डोनेशन देना है हम लोगों को, कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जो कि हमारा टैक्स बेनिफिट्स में आता है। तो जनरली हम जब रिटर्न फाइल करने बैठते हैं तो उसकी कॉपी हमारे पास नहीं होती, उसकी स्लिप हमारे पास नहीं होती, या अमाउंट भूल जाते हैं, या फिर जिसको हम डोनेट करते हैं उसका पैन नंबर नहीं होता है। तो बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मिस हो जाती है, इसके चलते या तो हम गलत डेटा डाल देते हैं या फिर हम डेटा डालते ही नहीं है, जिसके चक्कर में हमारा लॉस हो जाता है, इनकम टैक्स में हमारा लॉस हो जाता है। तो ये चीज़ नहीं करना, आपको अपने सारे इनकम डिडक्शन जो होते हैं, यानी आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं या फिर आपने कहीं डोनेशन किए हैं, तो उसका प्रूफ आपको पास हैंडी रखना है। मतलब आप अपनी सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में आप अपने पास रखें, अरेंज कर लें उसको, तब रिटर्न करने बैठे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। आपको बिल्कुल मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं आपको कोई दिक्कत हुई, बस आपको पॉइंट बाई पॉइंट डाटा डालना है, फटाफट डेटा डालते जाओगे और आपका इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म जो है रेडी हो जाएगा फाइल करने के लिए। और लास्ट और बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ जो है वो है, डू नॉट डिस्क्लोज एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेल आईडी, बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर। जनरली आधार नंबर और पैन नंबर आप गलत डाल ही नहीं सकते हो, फिर भी अगर मान लीजिए मेजोरिटी 99 एक एक्सेप्शनल केस में अगर कुछ ऐसा होता है तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको गलत नहीं देनी है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे। जनरली लोग क्या करते हैं, मैं पर्सनली वो प्रैक्टिकली बताता हूँ, आप लोग एक जो सैलरी क्लास का व्यक्ति है जो नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, वो क्या करेगा अपने फ्रेंड को दे देगा, भाई तेरा कोई फ्रेंड एडवोकेट है या कोई वकील है या फिर कोई CA है, उसको उससे मेरी रिटर्न फाइल करवा दो। वो आपसे पैन नंबर लेगा, आपका आधार नंबर लेगा और फटाफट आपकी आईडी बना देगा और उसमें अपना फोन नंबर, अपना मेल आईडी डाल देगा। यानी CA एडवोकेट या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जानकार है वो अपनी मेल आईडी डालेगा, यानी मेन उस व्यक्ति की मेल आईडी नहीं डालेगा, यानी आपकी फ्रेंड की मेल आईडी नहीं डालेगा जिसका रिटर्न वो भर रहा है। अब होता क्या है कि उस बंदे का ट्रांसफर हो गया, आपके फ्रेंड का ट्रांसफर हो गया, दूसरे शहर में चला गया, या फिर आप उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई, या उसको बंदे को भरना जो जिसने फाइल किया रिटर्न उसने गलत फाइल किया, अब अगले दिन अगले साल उसको कंटिन्यू नहीं करना है। तो मेल आईडी और फोन नंबर तो जिसने फाइल किया था रिटर्न उसी का है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इस केस में, जहां पे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आती हैं, आपके असेसमेंट के नोटिसेज आते हैं, असेसमेंट ऑर्डर्स आते हैं, या और कोई इन्फॉर्मेशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे बोलना चाहता है वो मेल आईडी के थ्रू ही बोल पाता है या SMS के थ्रू ही बोल पाता है। अगर आपका फोन नंबर और मेल आईडी ही गलत है तो वो आप तक संपर्क नहीं कर पाएगा। आप भी अपनी आईडी को पासवर्ड वगैरह अगर आपको ब्रेक करना है तो आपको ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर लगेगा, यूज करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे आपका तो खुद आपका इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है नहीं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो आपने किसी और का डाला हुआ है या फिर गलत डाला हुआ है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। वो चीज़ आप ना करें, आप लोग अपनी अपनी तुरंत ईमेल आईडी में अपने जो ईमेल आईडी जो आपकी करेक्ट ईमेल आईडी आप पोस्ट करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट में, जहाँ पे लॉगिन करके आप रिटर्न फाइल करेंगे, तो वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़। इसके साथ साथ बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, MICR कोड, अलग अलग जो डिटेल्स हैं ये गलत ना डालें, क्योंकि अगर आपने बैंक अकाउंट नंबर जरा सा भी गलत डाला, अगर कोई आपका रिफंड जनरेट होता है तो रिफंड नहीं आ पाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश करी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसी के आधार पर वो काम कर रहा है, साथ में वो अपने उनके पास जो आपकी डिटेल्स है उसे मैच भी कर रहा है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत मत दें। और सबसे बड़ी जो कमियां मैंने देखी हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, वो देखी हैं कि आप कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी किसी दूसरे व्यक्ति का रहता है, या फिर आप ऐसा नंबर डाल देते हो जो भविष्य में आप बंद कर देते हो तो आप OTP नहीं मिल पाती है। आधार कार्ड से जब आप ई वेरीफाई करने जाते हो रिटर्न, तो आपका आधार कार्ड का जो फोन नंबर है वो आपके पास नहीं होता, उसकी OTP नहीं आ पाती। ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये है तो देखने में बहुत छोटी लगती हैं लेकिन बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। आपको ये सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, आपको सारे फ़ोन नंबर्स एक्टिव रखने हैं जो फ़ोन नंबर्स आपके ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में गए हैं, ताकि भविष्य में कोई इन्फॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट आपको देना चाहे तो वो दे सके। साथ में मेल आईडी आपको परफेक्ट रखनी है, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मेल आईडी मतलब कोई मेल आती है गवर्नमेंट से वो मिस ना हो और आप तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा, कुछ काम का लगा होगा। अगर काम का लगा है तो उस वीडियो को एक थम्स अप देना है, लाइक देना है, आपको कमेंट्स देने हैं, अगर कुछ सवाल हैं आपके मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द जवाब दूं उनका, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि उनको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुँच सके।
और जो लोग जनरली ऐसा करते हैं कि अपना अकाउंट में गलत डेटा रखते हैं यानी इन्फॉर्मेशन उनकी इनकम टैक्स की आईडी में गलत है, उनको जरूर बताएं कि ऐसा ना करो, आप बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे। और सब्सक्राइब कर लो प्रसून की पॉकेट को, बेल आइकन भी हिट कर देना ताकि मेरे जो मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ उनका नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंचे। बाकी बाय बाय, जय हिंद जय भारत।